मौजूद है इस समय रोनी सेक्टर 15 में, जहां पर सखा वेलनेस का उद्घाटन है। सखा वेलनेस के बारे में बता दूं, एक प्रकार की ट्रीटमेंट थेरेपी है, ये ट्रीटमेंट सेंटर है जहां पे रागों के द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा और ज्योतिष के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। यहां पर सभी प्रकार के दिक्कत वाले रोगों का यहां पे बड़ी सरलता से इलाज होता है और ये ला इलाज और बुरी से बुरी बीमारी को भी थोड़े ही समय में दूर भगाने में सक्षम है। सखा वेलनेस के प्रमुख मौजूद हैं जो चंडीगढ़ से समस्या यहाँ पर आए हुए। आइए इन्हीं से पूछें, सखा वेलनेस किस तरीके से रोगियों को ठीक करने के कारसाजी करती है? देखिए, सच बात तो ये है कि हम लोग जो भी ये देते हैं थेरेपी, ये एक तरीके से ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है जी, जिसको हाइड्रोजन आप कह सकते हैं जी। लेकिन केवल हाइड्रोजन जो है सफिशियंट नहीं है जी। केवल हाइड्रोजन मनुष्य के लिए आज तक केवल इतना काम करती रही है कि वो बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करे। डॉक्टर बैठे हुए तो हाइड्रोजन का मैक्सिमम काम बॉडी को डिटॉक्स करना है, लेकिन हम लोगों ने इसमें ज्योतिष को और रागा को जोड़ के इसको मोर पावरफुल बनाया। आप लोग अगर सब लोग परिचित होंगे, आजकल एक थेरेपी आने वाली है, फ्यूचर में आने वाली है, वो नैनो करके जो है ट्रीटमेंट आने वाला है, जिसमें आदमी को नैनो पार्टिकल्स बॉडी में डाले जाएंगे जी, और देन आफ्टर बाहर कंप्यूटर से बैठ के उसको ऑपरेट किया जाएगा कि बॉडी के किस पार्ट को उसको ऑपरेशन करना है। यही चीज हमारे यहाँ बहुत वर्षों पहले, हजारों वर्षों पहले ऋषि मुनियों ने खोज ली थी, और वो इसको एक, जैसे आपने सुना होगा कि ऋषि मुनि पहाड़ों पे जाके, हिमालय पे जाके साधना करते थे, तो इसके पीछे एक रहस्य रहा कि हिमालय पे क्यों जाते थे। असल बात यह है कि हिमालय पे एक निश्चित हाइट के बाद जो है हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो लोग वहां जाके एक्सेस हाइड्रोजन जो है हील करते थे, देन आफ्टर रागाओं के माध्यम से अपनी बॉडी के किस पार्ट को कितने दिन तक कैसे हील करना है उसमें मंत्र उच्चारण करते थे। तो वही हम लोगों ने इसको एक तरीके से धन्यवाद देना चाहिए जापान का, जिसने इसको हाइड्रोजन मशीन के रूप में हमें बना के दिया। तो मशीन के रूप में उनको, उन्होंने हमें दिया, लेकिन हम लोग जब इस पे काम कर रहे थे तो हमने पाया कि हाइड्रोजन जो है ये एक तरीके से इंटेलिजेंट मॉलिक्यूल है जो कि समझता है चीजों को, लेकिन इसको किस बॉडी के पार्ट पे ले जाना है उसके लिए भारत की ही जो पद्धति है पुरानी, जिसमें रागा पद्धति है, हमने उसका उपयोग किया। तो हम कह सकते हैं कि बीमारी कोई भी हो, लेकिन उसको बिना दवाई, बिना योगा, क्योंकि अगर दवाई की बात हम कहें कि दवाई नहीं देते हैं तो मोस्ट आप लोग समझने लगते हैं फिर योगा करवाएंगे, फिर मेडिटेशन करवाएंगे, ऐसा भी कुछ कम आपका दवाई, ऑपरेशन, योगा, डाइट चार्ट कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको इनहेलेशन लेना है इसका, हाइड्रोजन का, और उसके साथ साथ जो हम लोगों ने टाइमिंग निकाल के आपको रागा बतानी है वो करनी, और उससे ही सारे लोग ठीक होते हैं। और अभी तक हम लोगों ने ज्यादातर केस वो सॉल्व करके दिखाए हैं जिसके लिए मेडिकल साइंस जो है हैंड्स अप कर देता है, वो सॉल्व करके दिखाए हैं, उसके प्रमाण हैं हमारे पास, और ये चीज है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, इन पद्धतियों का तो ढेर सारे हिंदुस्तानी जानते हैं, आपने अपनी थेरेपी का क्या नाम रखा? देखिए, एक जमाना था कि हम एलोपैथी को भी नहीं जानते थे। अगर आज से हम कह दें कि प्रथम विश्व युद्ध तक की बात करें तो उससे पहले एलोपैथी का नाम निशान भी नहीं था। या और एलोपैथी या जितनी भी ये पैथीज हैं, अगर हम इसकी बात कहें तो सारी पैथी में जो बेस है वो डिटॉक्स करना है।
तो बॉडी डिटॉक्स पे काम करती है। मैंने कहा हम लोग क्योर पे काम कर रहे हैं, हम लोग बॉडी डिटॉक्स करके क्योर नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीधे सीधे उस ऑर्गन को ठीक कर रहे हैं जिस ऑर्गन को प्रॉब्लम हुई है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है और मैं कह सकता हूँ कि नई है, लेकिन पिछले 2 साल के अंदर ही इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं कि अभी हमारे 4-5 सेंटर्स हो चुके हैं। उसके अलावा एक सहारनपुर में लगभग जिसमें 150-200 लोगों की व्यवस्था होगी रहने की और इलाज की, वो हमारा 8 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और पूरे दुनिया में मांग उठ रही है, लेकिन हमारे लोगों को बता दूं कि सखा वेलनेस के 4 सेंटर है भारत भर में। जी नहीं, काठमांडू में भी है और दुबई और कनाडा में भी जल्दी खुलने जा रहा है। साथ ही साथ हमारा एक ये होता है कि जो क्लाइंट्स इसके माध्यम से गुजर चुके हैं, यदि वो हमें अप्रोच करते हैं कि हम सेंटर खोलना चाहते हैं, तभी परमिशन देते हैं। अदरवाइज हमारे लिए ये कोई एक व्यवसाय का चीज नहीं है। ये कोई भी आया और उसने कहा कि हमें बस इसको खोलना है, सर्विस है। ये नहीं नहीं नहीं, ये फ्री सर्विस नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाएंगे जो पहले इससे गुजर के ठीक हो चुके हैं। तो यहाँ पे भी जो सेंटर खुल रहा है, तो उसको जो खोल रहे हैं यहाँ पे, तो वो पहले हमारी पैसे से गुजरे हैं, उनको लाभ हुआ है। तो भी एक निजी जिज्ञासा था, तो सर संगीत से इलाज तो बहुत पुरानी पद्धति है, पानी से इलाज भी, जल चिकित्सा भी पुरानी है, ये ज्योतिष जो हेल्थ डिपार्टमेंट में घुस गया उसके विषय में बताइए। सर देखिए, अब ज्योतिष की बात नहीं, घुस नहीं गया, ज्योतिष ही पहले था, उसके बाद ये सब आए। आप एक बात बताइए, आपके ज्योतिष बहुत पहले से कहता आया है कि आपकी बॉडी में जो खून होता है वो मंगल से होता है। अच्छा, मंगल का कलर लाल होता है, और आप बता दीजिए कि जितनी भी चीजों से खून बढ़ता है वो सभी लाल होती है। मैं एक मतलब सिर्फ एक एग्जांपल अभी आपको दे रहा हूं कि कलर थेरेपी, आपकी जितनी भी ज्योतिष चिकित्सा है, ये बहुत पुराने विज्ञान है। लेकिन बस होता ये है कि कोई भी साइंस जब दुनिया में आती है तो कहते हैं कि हर असली सिक्के के साथ मार्केट में नकली सिक्के का चलन होता है, और इकोनॉमी का एक नियम है कि नकली सिक्का असली सिक्के को चलन से बाहर कर देता है। अफसोस से कहना पड़ता है कि ज्योतिष के साथ भी यही हुआ, लोगों ने उसको एक बड़ी साइंस को अपने छोटी छोटी चीजों में यूज करने के लिए कुछ ऐसे लोगों को तैयार किया जो उनको गलत एडवाइस देते थे, और जिसकी वजह से पूरी साइंस जो है वो आपके विवाद में आ गई। तो ज्योतिष जो है वो बहुत गहरा साइंस है। आप देखिए कि आज हमारे वैज्ञानिक खोज पाते हैं कि बृहस्पति ग्रह की दूरी इतनी है, लेकिन ज्योतिष में ये बहुत पहले लिख दिया गया था कि इतनी दूरी, और एक एक मीटर की बराबर दूरी उतनी ही निकली है। तो ज्योतिष को आप इनकार तो नहीं कर सकते, आप इतना कह सकते हैं कि हम समझ नहीं पा रहे, बस इतना ही कह सकते हैं, लेकिन उसको इनकार नहीं कर सकते। और हम लोगों ने उसका यूज किया है, ना कि जैसे कि कई बार होता है कि हम लोगों की हिस्ट्री देख के उसकी बीमारी का पता लगाने की कोशिश करते हैं ज्योतिष के माध्यम से, तो वो लोग हमें फोन करते हैं कि हमें बता दीजिए हमारा बिजनेस कैसा चलेगा। हमने कहा कि देखिए ये बीमारी की साइंस है, हमें इससे बिजनेस नहीं आपके बता रहे, हम आपकी बॉडी के पार्ट की बात कर रहे हैं कि आपका ये पार्ट इन्फेक्ट है तो इस ग्रह से होता है, और उस ग्रह से संबंधित रागाओं के माध्यम से उसका ट्रीट भी किया जा सकता है। ये बिल्कुल ट्रू साइंस है, और बस ये है कि ये इतनी सूक्ष्म है कि ये पकड़ में नहीं आती। जैसे आंखों से दिखता है इसलिए हम मानते हैं, लेकिन ये साइंस पीछे की साइंस है, ये आंखों के पीछे कौन देख रहा है उसकी साइंस है। लेकिन अगर वो आंखों के पीछे देखने वाला ना हो तो एक व्यक्ति अगर मर जाता है आप उसकी, या सो जाता है आप उसकी आंखों की पुतली खोलिए तो उसको दिखाई नहीं देगा, तो पीछे कौन सो गया, तो ये साइंस वहां का साइंस है। लेकिन ये है देखिए, हाथ पैरों को आशी क्या वाली बात है कि लोग इससे गुजर रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं, तो हमारे लिए बस यही खुशी की बात है कि हम समाज का कैसे भी हित कर पा रहे हैं, बस इतना पर्याप्त है। हम एक छोटे से हिस्से हैं, हम बहुत बड़ी साइंस नहीं अभी हो पाए, हमें अभी पूरी दुनिया में एक्सेप्ट नहीं किया गया, हम बड़ी बड़ी बातें करने के आदी नहीं है, लेकिन अगर हमारे 2 हाथ 200 लोगों को हेल्प कर पाए हैं तो मैं समझता हूँ कि ये हाथ धन्य है। बहुत बहुत प्रताप, मेन मुद्दे पर आते हैं। इस समय हम दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 15 में मौजूद है, आपके वेलनेस सेंटर का उद्घाटन हो रहा है, यहाँ के बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यहाँ के लोगों को क्या कहना चाहेंगे अपनी स्थिति के पीछे? देखिए, हम इतना ही कहना चाहेंगे, बीमारी जैसी है, आप देखते हैं अभी कोरोना ने हम सबको हिला के फेंक दिया, डेंगू भी आने वाला है, अभी फिर डेंगू आ जाएगा, 1-1.5 महीने बाद आप डेंगू करेंगे। लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि आप इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने शरीर को मजबूत देना चाहते हैं, डिटॉक्स करना चाहते हैं, अगर डेंगू कोई हो किसी को भी, आप पेशेंट डेंगू का भी लाइए जिसकी प्लेटलेट्स गिर रही है और डॉक्टर उसको जो है अस्पताल में रखने से भी राजी नहीं है,
मात्र 3 दिन में हम उसको उठा के खड़ा कर देंगे, मात्र 3 दिन में वो आएगा यहाँ पे रिक्शे पे और जाएगा यहाँ से अपने पैरों पे। यानी आपका कहने का मतलब है विभिन्न से विभिन्न कठिन रोगी बिल्कुल, आप इमरजेंसी केसेस तक हमने कई बार ऐसे डील किए, हम ये नहीं कहेंगे कि एक्सीडेंटल केस हम नहीं डील कर सकते क्योंकि वो पार्ट ऑफ सर्जरी है, जी। लेकिन जिसमें बॉडी को इम्यून करना हो, जिसमें बॉडी के किसी ऑर्गन को कोई दिक्कत हो रही हो, सपोज दैट हार्ट अटैक तक की स्थिति आ गई हो, किसी के बॉडी में ब्लॉकेज हो, हार्ट में ब्लॉकेज हो, वो सारी चीजें आप देखिए घुटनों के आजकल बहुत समस्या है, तो ऑर्थराइटिस के केस इतने बढ़ गए हैं कि हर तीसरा चौथा आदमी जो है जवानी से ही इससे परेशान होने लगा है। ये केस अब उसके लिए बोलते हैं कि आप चेंज करवाइए घुटने, कोई जरूरत नहीं, हमारे पास यहीं पे बैठे हुए लोग जिससे इससे गुजरे हैं और ठीक हुए हैं, आप उनके भी इंटरव्यू ले सकते हैं, उनके साथ क्या कंडीशन थी और अब क्या है। तो और बहुत आसानी से, मैंने कहा ना इसके लिए आपको अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ता। हम लोग एक और चीज बोलते हैं कि एफर्टलेस थेरेपी है हमारी, तो लोग बोलते हैं कि बिना कुछ करे कैसे हो सकता है, तो मैं बस इतना ही कहूंगा जगत की सबसे ज्यादा मूल्यवान चीजें आपको बिना करे ही उपलब्ध होगी, करके जो उपलब्ध होता है वो धन उपलब्ध होता है जो थोड़े दिन बाद खर्च होगा। तो ये एफर्टलेस थेरेपी है, आप लोगों से इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग कभी यहाँ सेवा का अवसर देते हैं तो निश्चित ही आपको हो सकता है कि शुरू में लगे ये थेरेपी कैसी है, लेकिन जब आप गुजरेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें आपको वो मिला जो आपको अभी तक कोई व्यक्ति नहीं दे पा रही। आप लोग एक छोटी सी बात सुने होंगे, आज तक पूरी दुनिया लगी हुई इस पे, आप लोग देखते होंगे पानी में पीएच लेवल की बात होती है, पानी में ना अच्छा पानी पीएच लेवल अच्छा होना चाहिए, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताता व्हाट इज पीएच। पीएच का अर्थ होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और आपको अगर 1 घंटे आप ये थेरेपी लेते हैं जो कि आप एक तरीके से गैस फॉर्म में लेंगे, अगर आप 1 घंटे गैस फॉर्म में लेते हैं तो कम से कम आप 200 गिलास पानी की ऊर्जा लेते हैं, 200 गिलास पानी अगर आप पी के लेना चाहेंगे तो आपकी किडनी खराब हो जाएगी। आप डॉक्टर आजकल बोलते हैं ना कि 5 लीटर पानी पियो, 5 लीटर पानी की किडनी बनी नहीं आपकी, अगर 5 लीटर पानी कोई भी व्यक्ति पीता है 1 दिन बाद उसकी किडनी खराब होगी, लिख के रख लीजिए। बॉडी में 1 लीटर पानी सफिशियंट होता है, लेकिन क्योंकि पीएच लेवल खराब हो गया, डिस्टर्ब हो गया, पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं रही, इसकी वजह से हमें बॉडी को ज्यादा पानी देने की जरूरत होगा। अब ये खोज हो चुकी कि ब्रूस ली की डेथ सिर्फ इससे हुई थी कि वो ऊर्जा पाने के लिए ज्यादा पानी पीता था, और ज्यादा पानी पीने की वजह से उसकी बॉडी के मिनरल्स बह गए थे, जिसकी वजह से भी जो आपको नुकसान होता है, देखिए पानी से नुकसान होता है लेकिन आपको इससे कोई भी नुकसान नहीं। दुनिया में ज्योतिष में एक ग्रह है बृहस्पति जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं बोला गया, और विज्ञान में हाइड्रोजन एकमात्र ऐसी जो मॉलिक्यूल है जिसका आज तक कोई भी साइंटिस्ट इसका साइड इफेक्ट नहीं खोज पाया। आप इस पृथ्वी पे कोई भी चीज नहीं बता सकते जिसका साइड इफेक्ट ना हो सिवाय हाइड्रोजन की, तो हम आपको वो चीज दे रहे हैं जो इस ब्रह्मांड में सबसे पहले आई थी, सबसे पहले हाइड्रोजन सबसे पहले इस यूनिवर्स में आया था, पहला मॉलिक्यूल है, और यहाँ जितनी भी चीजें हैं सब में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के महत्व को समझना पड़ेगा। आप देखिए हाइड्रोजन से फ्यूल से चलने वाली कारें आ रही हैं, आपकी कारों में कार्बोरेटर साफ करने की हाइड्रोजन की मशीनें आ गई हैं, तो मैं कहता हूं हाइड्रोजन की ऊर्जा को अब दुनिया देखेगी, लाइट हाइड्रोजन से आएगी, स्वास्थ्य भी हाइड्रोजन से करने की शुरुआत हमने की है, और मैं ये कह सकता हूं इसकी शुरुआत जापान से हुई थी, जैसे हमारे यहाँ जो एम्बुलेंस होती है उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, जापान में जो एम्बुलेंस होती है उसमें हाइड्रोजन की मशीन मस्त होती है, और जापान का सबसे अच्छा रेशियो है वहां हेल्थ के मामले में, हमें उनको धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमको ये मशीन बना के दी बॉडी डिटॉक्स तक काम करने के लिए, सखा वेलनेस में इसको आगे बढ़ा के किसी भी रोग पे काम करने के लिए। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, एक सीपी बीमारी होती है सेरेब्रल पाल्सी, उसका कोई इलाज नहीं है मेडिकल साइंस के पास, हमने उस बच्चे को चल के खड़ा कर दिया जिसको मेडिकल साइंस कहता था ये चल नहीं सकता, पार्किंसंस पार्किंसन भी हमारे पास ट्रीटमेंट चल रहे हैं और उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट है, 100% डिजीज ठीक हो जाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन हम तब बात करेंगे जब 100% हो जाएगा। अभी जिस रोग का नाम बोलो, हम उसकी बात करें वो सीपी है। अच्छा, तो सीपी जो है उसका कोई इलाज नहीं है,
और सीपी केवल जो है ऐसा मत समझिएगा एक बच्चे को रोग होता है, सीपी जब बच्चे को रोग होता है उसकी पूरी जिंदगी माँ की खराब हो जाती है। जिस बच्चे को सीपी हुआ उसकी माँ पूरी जिंदगी कहीं जा नहीं पाती, तो एक बच्चे की वजह से पूरे घर की जिंदगी खराब होती है। हम लोगों ने उसको ट्रीट करके बिल्कुल सही करके दिखाया। आपके आजकल गॉल ब्लैडर में पथरी का बहुत सुनते होंगे, निकाल दीजिए। हम कहते हैं गॉल ब्लैडर की पथरी हमारे पास देख के आई, हम ठीक करके दिखाएंगे, क्योर करेंगे, एक भी बचेगी नहीं। कैंसर के इलाज हम कर रहे हैं भाई, मतलब कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको हम ठीक नहीं कर रहे इस समय ऑल ओवर वर्ल्ड। और इसकी अच्छाई ये है कि पेशेंट को अगर थोड़े समय के लिए वो चाहता है ठीक है अपना थोड़ा खर्चा बचाने के लिए, तो वो एडमिट होके जो इलाज होते हैं उसमें करा सकता है। अदरवाइज ये एक ऐसी थेरेपी है कि हमारे 98% पेशेंट जो है अपने घरों में रह के इलाज दे रहे हैं। आपको मतलब अपना ना काम खराब करना है, ना घर छोड़ना है, ना पूरे घर को हॉस्पिटल जाना है बार बार खाना लेके, ऐसा कुछ नहीं करना। आप घर पे रहते हुए इलाज दे सकते, तो ये कुछ चीजें हैं। और देखिए इलाज का क्या मतलब हुआ कि इलाज करने के नाम पे एक व्यक्ति पूरी जिंदगी तबाह हो गई, एक पूरा परिवार 8-8, 10-10 महीने अस्पताल के चक्कर काट रहा, तो इसे इलाज नहीं कहते। इलाज तो तभी अच्छा है जब कम से कम लोगों को तकलीफ पहुंचाए। और हम कह सकते हैं कि हमारी इस पैथी ने आपके कैसा भी पेशेंट हो, आप बोलिए तो हमें, कैसा भी पेशेंट हो, 6 महीने का बच्चा, इवन की कोमा में गए हुए मरीज तक इलाज दिए हैं, कोमा में गए हुए मरीज, IVF वगैरह जो है इतनी आजकल प्रॉब्लम है उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से लोग ठीक होते हैं, जिनको सारी मेडिकल साइंस कभी ये मत खाओ वो मत खाओ करते हैं, हम लोग कुछ नहीं सब कुछ खाओ फिर ठीक रहो। अब ज्योतिष के हिसाब से हम आपको एक चीज बताते हैं, डॉक्टर साहब शायद मेरी बात से राजी हो जाएंगे। ज्योतिष में एक ग्रह के बारे में बात कही जाती है चंद्र, और कहते हैं कोई भी व्यक्ति अगर हीलिंग करता है तो उसका चंद्र ग्रह अच्छा होना चाहिए। तो डॉक्टर जो है वो स्वयं में उसका चंद्र अच्छा होता है तभी वो डॉक्टर बन पाता है। लेकिन चंद्र ग्रह के संबंध में एक चीज लिखी हुई है कि चंद्र माँ है और माँ भोजन के संबंध में कभी बच्चे को इनकार नहीं करती। यदि कोई डॉक्टर अपने पेशेंट को खाना खाने से डॉक्टर अपना भी चंद्र खराब कर रहा है, और एक ना एक दिन वो डॉक्टर भी बीमारी से ग्रसित हो सकता है क्योंकि उसका एक ग्रह खराब हो जाएगा। हम लोग इसीलिए किसी भी अपने पेशेंट को कभी भी कुछ खाने पीने से मना नहीं करते। हाँ ये जरूर संतुलित आहार कह देते हैं लेकिन मना कभी नहीं करते। तो ये कितनी बड़ी बात है, नहीं तो आज शुगर के पेशेंट देख लीजिए, शुगर के पेशेंट को तो आप बिल्कुल दूर कर दे रहे हैं, जीवन खराब कर दे रहे हैं। हम लोग सिर्फ छोटे मोटे सजेशन देते हैं, बाकी अपनी थेरेपी देते हैं वो ठीक होता है। ये प्रशांत जी है, न्यूटन एक बात कहते थे कि न्यूटन के सिद्धांत खोजना तो आसान काम है पर उसको बढ़ावा देना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये शब्द कहते हैं जो इस पद्धति को बढ़ावा देने के लिए आगे आए हैं। जो लोग नहीं जानते हैं आपको देख रहे हैं यहाँ, पहले उनको बताइए कि किस तरीके से इस लोकेशन पे पहुंच सकते हैं, कहाँ पर मौजूद है। सबसे अच्छा तरीका तो उसका ये है कि आप गूगल कीजिए, अच्छा sakhawellness.com जी, वहाँ पर आपको सारी डिटेल ऑल ओवर जो इंडिया हेल्थ के सेंटर्स यहाँ की भी लोकेशन आपको मिल जाएगी। वहाँ पर गूगल मैप है, हमारा यूट्यूब चैनल है, फिलहाल हम रोहिणी के सेक्टर 15 में मौजूद है दर्शकों जी। सेंटर में किस किस प्रकार के रोग ठीक करे जा सकते हैं, जैसे आप सखा जी ने बताया कि कोई भी चीज है, छोटी चीज है या बड़ी चीज है, बस आपको विश्वास होना चाहिए आपको उसके लिए कि मैं यहाँ जा रहा हूँ तो क्या मैं इसको बिलीव करता हूँ। अगर आप डाउटफुल होके आएंगे तो फिर रुक जाइए, जब विश्वास होगा तब आइए, मैं भी तभी आ रहा हूँ विश्वास। शुभकामना देते हुए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ मैं, हमारे जो एडवोकेट तेजस्वी सिंह जी उन्होंने इन्वाइट करा, और ये पता लगा अभी विस्तार से हम सुन रहे थे कि इतनी अच्छी थेरेपी जो बता रहे हैं कि हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनि जो थेरेपी लेते थे तो वो हाइड्रोजन का सामने देख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट रखा है उनको जो भी बता रहे थे, तो सका करके उनकी फोटो भी है, सका वेलनेस के नाम से सारा, यानी जो अभी आज उद्घाटन करा है शोकेस का दिल्ली के अंदर बता रहे हैं, इतने बड़े रोग साथ में डॉक्टर साहब भी बैठे हैं और हमारे काफी यहाँ अतिथि आए हुए हैं, हमारे भाई महेंद्र भी वार्ड से ना बढ़े हैं इससे। और सबसे बड़ी बात है कि हाइड्रोजन गैस से आज पहली बार पता लगा हमने, यानी
जो छंदों को मिला के इतना बड़ा यानी रोगों से लड़ने की क्षमता है हाइड्रोजन में, तो बड़ी खुशी हुई। तो हम भी ज्वाइन करेंगे। महेंद्र जी के बारे में बता दूं, 5 साल इन्होंने यहाँ पे निगम पार्षद रह के राज किया हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि मेरी अपनी जानकारी में उत्तरी पश्चिम लोकसभा में यही ऐसे शख्स है जो मोदी जी के थोड़े डुप्लीकेट जैसे लगते हैं, दाढ़ी वाड़ी बना जी। क्या शुभकामना के तौर पर कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बधाई भी पात्र पूरी टीम जो सखा वेलनेस की पूरी टीम है, सम्मान्य गणेश सिंह जो बड़े भाई हमारे, वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि शहर में बीमारी बढ़ी रही है। और मैंने भी सकते 16 में एक छोटा सेंटर खुलवाया था, डॉक्टर साहब ने फोन अभी आते रहते हैं, हाल मुझे बुला रहे पंचकर्मा, तो डॉक्टर साहब फोन आते रहते हैं, तो शहर में बीमारी बढ़ रही तो सिंह एमसीडी का हमने उठा बोला धरावगढ़ था, उसको रेनोवेट कराते हैं, हमने भाई पर जो है पंचकर्मा का सेंटर खोला। हाँ जी हाँ जी। तो क्षेत्र प्रॉब्लम बढ़ रही है यहाँ पे शहरों में, मैं तो आप देखो अगर मोस्टली हरिद्वार रहता हूँ, पहाड़ों में रहता हूँ, टाइम मिलता है पहाड़ में चला जाता हूँ। अच्छा। तो मैं सलाह भी लोगों को देता हूँ, जब भी मौका मिले थोड़ा फ्रेश एयर ले, तो दिल्ली पॉल्यूशन बहुत है, मेट्रो सिटी पॉल्यूशन बहुत है, तो ऐसे जो उपचार है ये बहुत अच्छे सिद्ध होंगे। और सखा वेलनेस की पूरी टीम बधाई की बात है, क्षेत्र में सेंटर प्राइवेट कार्यक्रम में आए, जब आप निगम पार्षद रहे तो आपको मेडिकल लाइन में हेल्प के लिए क्या करा? ये बता दें, सेंटर खुलवाया पंचकर्मा वाला। पंचकर्मा ये एफर्टलेस ट्रीटमेंट कैसे है मैं आपको बताती हूँ। सिंपली आप मान लीजिए आप आए हैं, पेशेंट है, यहाँ लेते हैं, यहाँ आपको हाइड्रोजन मशीन से जो है इन्हेलेशन लेते हुए दिख रहे हैं। हाँ जी, ये वाली मशीन है, इससे हाइड्रोजन इनहेल कर रहे हैं, और हेडफोन से रागा सुनाया जा रहा है। रागा उसकी बीमारी के, हाँ बीमारी के अकॉर्डिंग बजाया जा रहा है जिनको। इसमें क्या होता है कि एज पर व्यक्ति कौन है, उसको क्या बीमारी है, उस पर्टिकुलर अच्छा। बीमारी के लिए किस समय कौन सा रागा दिया जाना चाहिए, तो वो रागा के सजेशन आते हैं। अलग अलग रोगों के लिए अलग राग है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि इनको जो रागा आज दिया है वो 3 दिन बाद भी होगा, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और इसमें ज्योतिष चिकित्सा कैसे काम करती है कि ज्योतिष के टाइमिंग होते हैं, मतलब आप कितने बजे थेरेपी लेंगे और कितनी देर तक हाइड्रोजन इन्हेलेशन होगा, कितनी देर का रागा होगा, तो ये सारी चीजें मिलके काम करती है। तो ऐसे करके जो है आप बिना किसी एफर्ट के जो है ट्रीटमेंट, तो कैसा फील करते अच्छा हैं पेशेंट जब इस तरीके से ट्रीटमेंट, जैसे ही पेशेंट उस वाली पोजीशन में आता है सबसे पहले तो वो बहुत रिलैक्स फील करता है, क्योंकि इसका बॉडी और उसके जो ऑर्गन्स है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, और ये पोजीशन सबसे बेस्ट पोजीशन होता है लेटने का। उसके बाद आपको यहाँ से हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ से इनहेल होते हैं, तो वो आपको बहुत हल्का कर देते हैं, और म्यूजिक से आप दुनिया से कटके सिर्फ अपने अंदर। कितनी देर तक एक पेशेंट को इस तरीके से लेटना होता है? 1 घंटा कम से कम। दुनिया में पहली बार जापानी तकनीक और भारतीय चिकित्सा ज्योतिष के माध्यम से सखा वेलनेस कर रहा है गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज। हमारी विशेषता ना कोई दवा, ना ही कोई ऑपरेशन, ना कोई योग, ना प्राणायाम, ना ध्यान, ना ही किसी प्रकार से खान पान का कोई बंधन। जब सब जगह से निराश हों, सखा वेलनेस।